पता है दोस्तों, इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या होता है? एक बेटे के लिए अपने पिता को गले लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक पिता चाहे तो भी बेटे को कई भी बातें जो अपने दर्द होता है उसे कभी से नहीं कर पाता है, और एक बेटा कितना भी चाहे अपने पापा के दर्द को बांटना, लेकिन वो कभी सामने आकर के अपने पापा से कोई बातें नहीं कर सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। स्पेशली उनको अगर गले लगा करके उनके दर्द बांटना चाहे तो वो नहीं कर पाता है। मैं दुनिया के 100% में से 2% ऐसे कैंडिडेट होंगे, ऐसे बेटे होंगे जो डायरेक्टली शायद ही अपने पापा से बात कर पाते और शायद उन्हें गले लगा करके कह पाते हो कि पापा डोंट वरी मैं हूँ ना। लेकिन 98% बेटे आज भी ऐसे हैं जो अपने पापा से सामने जाकर के अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, आपकी लाइफ को झकझोर के रख देगी, क्योंकि कई सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो आप जिनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। आपकी स्टूडेंट लाइफ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस लाइफ में आप उस पिता के कर्जदार हो, लेकिन ये चीज़ भूल चुके हो आप कि आपके कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो आपको निभाने हैं। ये कर्तव्य जो पिता को निभाने थे वो कब का निभा रहा है? आज से नहीं, जब से तू पैदा हुआ था ना, इस दुनिया में आया था ना, तब से वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है उस पिता के बारे में? आपको ये लगेगा कि मैं माँ के लिए बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पापा के लिए क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज तक बहुत से लेखक हैं, कवि हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने माँ के बारे में बात की, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पिता के बारे में बात कर पाते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं माँ की बात करूँ, माँ की बात करना तो मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास इतने अल्फाज भी नहीं हैं कि मैं माँ के प्यार को लफ्जों में बयां कर सकूँ। लेकिन एक बात बता दो, इतना कह सकूँ जिस माँ के लिए आज तक भगवान ने भी कुछ अल्फाज कहे हैं ना, लेकिन वो माँ भी अपने पापा के बिना अधूरी होती है, अपने पति के बिना अधूरी होती है। वो माँ का पति हमारे पापा, यानी कि मैं उन पिता की बात कर रहा हूँ जो पिता जिन माँ का गौरव होते हैं, जिनके बिना माँ की भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि माँ का जो श्रृंगार है, माँ का जो मांग है, वो पिता के बिना अधूरा होता है। आपने कभी देखा होगा कि एक बिन माँ के बच्चे को पिता बहुत अच्छे से पाल लेता है, बहुत अच्छे से केयर करता है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? पैसा। क्योंकि पिता मेहनत करके भी एक बच्चे को माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक माँ कितनी भी कोशिश कर ले, हर तरीके से अपना जी जान लगा देती, लेकिन ये दुनिया नहीं जीने देती, पहली बात। दूसरी बात, एक माँ कैसे भी ठोकरे खा के अपने बच्चे को पालती है ना, तो कभी भी वो पिता की कमी को पूरी नहीं कर पाती है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगे, लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है दोस्तों। एक पापा, जब आप यहाँ पे आए हो, जब आप पढ़ने के लिए अपने घर से निकले हो, तो उनके बहुत से सपने हैं। पापा कभी भी डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलते कि तुझे क्या करना है, तू क्या कर रहा है। कल मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी, आप लोगों से पूछा था मैंने कि आप अपने पापा के लिए क्या सोचते हो। पापा डायरेक्टली आपको कभी नहीं कहते, पापा इनडायरेक्टली आपको कमेंट्स जरूर करते हैं कि देख, तेरी उम्र में था तब मैं ये करता था, तेरी उम्र में था तब मैं यहाँ पर पहुँच गया था। वो बातें हमें बुरी लगती है अक्सर कि पापा हमें सुनाते हैं, लेकिन पापा आपको सुनाते नहीं हैं। पापा आपको एहसास कराते हैं कि बेटा, जिस कंडीशन में मैं आज चल रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे जाने के बाद तू उन कंडीशंस को फेस करे। क्योंकि जिन हालातों को फेस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिन चीज़ों को फेस मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कि तू वो चीज़ करे। क्योंकि इस टाइम में तू जहाँ खड़ा है ना, उन्हें लगता है कि तू अंधकार में जिस आवरण में बैठा हुआ है ना, वो तेरे लिए कल को और अंधकार बना के रख देगा। इसलिए वो इनडायरेक्टली, वो कभी नहीं पूछते कि तूने खाना खाया क्या, वो कभी नहीं पूछते कि तेरे पास पैसे हैं या नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी आपसे फ़ोन करके पूछती है कि तूने खाना खाया क्या, तेरे पास पैसे खत्म हो गए क्या। मम्मी नहीं कहती, पापा उन्हें कहते हैं कि पूछना एक बार बेटे से, बेटी से, जहाँ भी आप बाहर है कि स्टडी कर रहे हो, क्या उन्हें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन आप कभी पापा का वो इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते हो। हमेशा हम लड़के स्पेशली मम्मी के बहुत करीबी होती है, बेटियाँ जानती हैं पापा को बहुत अच्छे से कि पापा के अंदर कितना दर्द होता है। मैं उन बेटों से कहना चाहूँगा, उन बेटियों से भी कहना चाहूँगा जो दूर रह करके स्टडी कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि इस लॉकडाउन में सर हम घर जा कर के भी ना स्टडी कर पा रहे, ना हम दूर रह करके स्टडी कर पाते हैं, हमें हमारे सपनों से दूर ले जाया जा रहा है ये लॉकडाउन, ये आलस कहीं ना कहीं हमें जीने नहीं दे रहा है। जब भी ऐसा मन करे ना कि पढ़ना नहीं है, जब भी ऐसा मन करे ना कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके खुली ज़िंदगी जीऊँ, एक बार, अभी तो आप लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर पर हैं, एक बार घर से, अपने रूम से बाहर निकलना और
पापा के पास जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठना। मुझे पता है कि पापा से आप वो बात नहीं कर पाओगे, लेकिन आज मैं एक बात बताऊँ, बहुत कड़वी सच्चाई है। आज आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, 10 से 15 हज़ार रुपये का मिनिमम आपके पास फ़ोन होगा, लेकिन आपके पापा आज भी वही कीपैड वाला 700 से 800 रुपये का फ़ोन चलाते हैं। वो महीने के आपको 8 से 10 हज़ार रुपये कैसे भी करके भेजते हैं, क्या वो चाहे तो वो फ़ोन नहीं ला सकते हैं? वो ला सकते हैं, लेकिन उन्हें हर बार ये होता है कि पता नहीं बेटे को इस मंथ कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। जिस दिन आप उनकी इस त्याग को, सेक्रीफाइस को समझ गए ना, उस दिन शायद आप किताबों से दूर नहीं भागोगे। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है ना आपके पास, ना उस पिता के पास। आपको अपने इस वक्त को यूज करते हुए उन्हें प्रूव करके दिखाना है कि आज जो कीपैड वाला फ़ोन रख करके आपके सपनों को संजोने के लिए उन्होंने इतना त्याग दिया है कि आप नहीं चाहोगे कल आप उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन दे सको, कल आप उनकी जो ख्वाहिशें जो कभी आपके सामने नहीं रख पाए उन ख्वाहिशों को आप पूरा कर पाओ। अगर ये सपने मन में जिस दिन आ गए ना कि जिस तरीके से मेरे पापा और मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, कल को मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो भगवान की कसम आप ये सब आपकी सोचने की बातें हैं जो आप खुद सोच सकते हो। आप अगर आप चाहते हो ना कि अपने पापा को हक कर सको, अपने पापा से मिल सको, तो कभी ऐसा कुछ काम करके जाओ यहाँ से जहाँ पे तुम्हें भेजा गया है, यहाँ से ऐसा कुछ करके जाओ कि जब सामने जाओ तो पापा खुद आकर के कहे कि बेटा आ गले लग जा। लेकिन ऐसा कुछ कर तो सही कि अपने पिता का सीना चौड़ा हो सके और वो तुझे खुद आके गले लगाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पापा आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो अपने प्यार को कभी बयां नहीं करते। क्या कभी देखा अपने पापा को रोते हुए? नहीं देखा होगा, लेकिन वो हर पल रोते हैं। जब तू आता है ना, तब मम्मी, जब तू गेट से बाहर निकलता है ना, तो मम्मी रोने लग जाती है और तू मम्मी के पैर छू करके उसे बोलता है मम्मी रो मत। लेकिन पापा अक्सर ध्यान देना, पापा या तो तुझे छोड़ने आते गाड़ी पे, गाड़ी चला रहे तो उनका फेस आगे की तरफ होता है, वो अपने आंसू को दबाने की कोशिश करते, या फिर जब तू घर से निकलता है ना तो पापा कहीं ना कहीं बहाना बना करके साइड में निकल जाते हैं। लेकिन तूने क्या सोचा कि पापा रोते नहीं हैं? बहुत रोते हैं। कभी फील करना उस दर्द को जो दर्द वो कभी बयान नहीं कर पाते। इस दर्द का सबसे बड़ा इलाज यही है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए तेरे से एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चाहिए, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है स्वाभिमान, और वो स्वाभिमान है तू। अपने पिता का स्वाभिमान बन, कुछ ऐसा करके दिखा अपनी लाइफ में कि वो सीना चौड़ा करके और दुनिया के सामने कह सके कि हाँ, मैंने जो त्याग किया, मैंने जो सेक्रीफाइस किया, उसका आज मुझे नतीजा मिला है। आज मैं सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने जिसके लिए इतना त्याग किया, आज उसका मुझे जो परिणाम मिला है ना, आज वो सुखद परिणाम है। जिस दिन तू ये सोच करके स्टडी करेगा ना, जिस दिन अपने मन में उनकी तस्वीर को, अपने माइंड में उनके सेक्रीफाइस को रख करके तू काम करेगा ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक पाएगी। दुनिया की कोई ताकत तुझे ये नहीं कह सकती कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ मोटो सेट करना है, तो पहले उन सेक्रीफाइसेस को अपने सामने रख, उन चीज़ों को अपने सामने लेकर के आ। जिस दिन वो चीज़ें तेरे दिमाग में घूमने लग गई ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकती जहाँ तू जाना चाहता है। लेकिन तू करता क्या है कि सिर्फ तू दिखावा करता है, लेकिन दिखावा और हकीकत में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जिस इंसान के यहाँ पे दर्द होता है ना, वो दर्द अपने आप यहाँ तक पहुँचता है, चारों तरफ 24 घंटे उस टाइम पे उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि इस दर्द से मैं बाहर कैसे निकलूँ। जिस दिन तेरा ये दर्द बाहर आ जाएगा ना, उस दिन तेरी जो अंदर का टैलेंट है ना, वो भी बाहर निकल करके आएगा। तो अपने आप को प्रूव कर सकता है, तू ये दिखा सकता है कि तू क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि अपने आप को प्रूव करना। और तेरे माँ बाप तुझसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके त्याग के बदले जो वो तुझसे चाहते हैं, वो जॉब वो नहीं करेंगे, तू करेगा, ऐस तू करेगा, आराम तू करेगा, हर एक चीज़ का लुत्फ तू उठाएगा, बस उनका नाम होगा, वो सिर्फ उस नाम के लिए जीते हैं। अगर अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है ना, तो आज अपने आप को जगा और उस पिता के लिए जिसने आज तक खुद को गवा दिया तुझे तरासते तरासते, तो आज जग जा। अगर आज तू नहीं जगा ना, तो तू कभी ज़िंदगी में नहीं जग पाएगा, तेरी ज़िंदगी का लॉकडाउन कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी भी समय है, जग जा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उस नालायक बेटे तक ज़रूर पहुंचा देना, हर एक नालायक तक जो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता है। ये मेरे लिए नहीं, उस पिता के लिए है।
ये तेरा फर्ज बनता है। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अगर ये आपके दिल में आग लगा पाए और अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का मन करता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अपने पापा के प्रति जो आपकी संवेदनाएँ हैं वो भी यहाँ व्यक्त जरूर करना। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।